वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हार्ट शेप माइक्रम डिज़ाइन। तो वैलेंटाइन चल रहा है वीक, तो मैंने सोचा कि हार्ट शेप में कुछ आपको ऐसा बताऊँ कि आप अपने वैलेंटाइन के डे दिन आप इसे डेकोरेशन में भी यूज़ कर सके। काफ़ी अच्छा है, यूनिक है और सिंपल है, बहुत ही कम मटेरियल में बनने वाला प्रोडक्ट है। तो कुछ इस तरह से हमें ये बनाने, तो ये किस तरह से बनाया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और इसमें मैंने अलग से ये बेरी नॉट लगाए हैं, तो इसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें लगेगा रेड कलर का माइक्रम मटेरियल, माइक्रम कॉर्ड। अभी वैलेंटाइन है, हार्ट शेप बना रहे हैं तो रेड कलर मस्ट है। और ये कुछ इस तरह के ग्रीन कलर के मैंने बेल लिए हैं, आप रेगुलर बेल भी पर यूज कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, आप ना चाहो तो ना भी यूज कर सकते हो। और हमें चाहिए लाइटर, सीजर और इस तरह के पिंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं माइक्रम हार्ट शेप डिजाइन। तो उसके लिए हमें चाहिए एक स्टिक, तो मुझे स्टिक नहीं मिली तो मैंने ग्लू गन की स्टिक ले ली यहाँ पर। और ऑब्वियसली हार्ट है, वैलेंटाइन चल रहा है तो रेड शेप बनता है, और सॉरी रेड कलर बनता है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है रेड कलर का माइक्रम। तो ये मेरी कॉर्ड है 3 मीटर की, इसे हम यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। अगर आपके पास स्टिक अवेलेबल हो तो आप स्टिक से इसे कर सकते हैं। तो मेरे पास स्टिक अभी फ़िलहाल नहीं थी तो इसलिए मैंने इसी से काम चलाया है, क्योंकि आगे चल के हमें ये कट करना है। तो इसलिए कुछ नेसेसरी नहीं है कि हमें स्टिक पर ही से करना है, आप कुछ भी जुगाड़ लगा सकते हो, आफ्टर ऑल हम इंडियन जुगाड़ू होते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं कॉर्ड लगा लेती हूँ। ये जो हार्ट शेप माइक्रम मिरर है, सॉरी हार्ट शेप डिज़ाइन है, माइक्रम से जो हम बना रहे हैं वो डिज़ाइन जो है वो बनाने के लिए हमें टोटल यहाँ पर लगेंगे 14 कॉर्ड। और ये डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये मैं स्क्वायर नॉट में नहीं बनाने वाली हूँ, बेरी नॉट में बनाने वाली हूँ। तो ये बेरी नॉट क्या है वो मैं आज इस वीडियो में आपको वो डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले कॉर्ड लगा लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैंने टोटल 14 कॉर्ड ऐड किए हैं। इनमें से 4 इस साइड और 4 इस साइड के कॉर्ड जो है वो हमारे 3 मीटर के है। उसके बाद में यहाँ के 2 और यहाँ के 2 कॉर्ड हमारे 3.5 मीटर के, और मिडल वाले ये जो 2 कॉर्ड बचते हैं वो हमारे 3.5 मीटर के हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कॉर्ड लिए हैं। और अभी मुझे जो डिज़ाइन यहाँ पर बनाने है उसके लिए मैं यहाँ पर ये स्टिक यूज़ करी और अभी से सेलो टेप लगा कर यहाँ स्टिक कर दूंगी। और यहाँ से डिस्टेंस छोड़कर मुझे ये पैटर्न बनाना है, तो इसलिए पूरा जो है वीडियो में कवर नहीं करूँगी। अगर किया तो जूम करके मुझे आपको डिज़ाइन दिखाने है, अगर मैं जूम आउट करूँगी तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी बता देती हूँ आपको, ये जो स्टेप है इसके बाद में यहाँ से हम लगभग 12 इंच तक छोड़ देंगे कॉर्ड। 12 इंच तक कॉर्ड छोड़ने के बाद हम जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। तो अब ये कैमरा एंगल से बाहर हो जा रही है स्टिक, तो कंफ्यूज मत होइए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड वाले जो है 1, 2, 3 एंड 4 कॉर्ड में यहाँ पर छोड़ दूंगी साइड में। इस साइड से भी हमें 4 कॉर्ड को छोड़ना है। अब ये मिडल में जो कॉर्ड बचते हैं इनमें से 2 कॉर्ड मैं इस साइड से ले रही हूँ, लगाएंगे पिन और स्टार्ट करते हैं बेरी नॉट। तो बेरी नॉट बेसिकली बनता है स्क्वायर नॉट से, तो सबसे पहले हमें लगाना है यहां पर स्क्वायर नॉट। वन, टू एंड थ्री, तो 3 यहाँ पर मैं स्क्वायर नॉट लगाकर इस तरह से छोटा सा मैंने यहाँ पर कॉलम बनाया है। अब ये जो मिडल वाले 2 कॉर्ड होते हैं इनको अभी हम यहाँ ये पिन में निकाल देती हूँ, इनको मैं यहाँ बीच में डालूँगी। देखिए आप यहाँ बीच में डालते हुए नीचे के साइड इस तरह से ले लूँगी। और अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से राउंड कर
कर फिर से नीचे से मैंने एक कॉर्ड ले लिए और ये साइड के जो दो कॉर्ड हमारे बचते उसे लेकर अभी हम यहाँ पर लगाएंगे फिर से स्क्वायर नॉट, तो ये अच्छे से बेरी नॉट जो है सिक्योर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बेरी नॉट बनता है। आप ये जो कॉलम मैंने तीन का बनाया, आप चार का, पांच का या फिर दो का, इस तरह से बना सकते हैं। आपको जितनी बेरी नॉट का जो शेप है वो चाहिए, उस पर ये डिपेंड होता है कि आपको कितने नॉट को मिलाकर बेरी नॉट बनाना है। तो ये एक हमारा यहाँ पर बेरी नॉट बन गया। अभी इसे मैं सिक्योर कर लेती हूँ पिन लगाकर। अब देखिए साइड से फिर से हम यहाँ पर चार कॉर्ड ले लेंगे, जो नॉट बना है उसके साइड में ही हम कॉर्ड ले लेंगे और सेम लेवल पर हमें फिर से यहाँ पर सेम बेरी नॉट बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो इस तरह से मैंने यहाँ पर बेरी नॉट बनाए हैं। अब देखिए ये जो साइड में जो हमने कॉर्ड छोड़े थे वहां से दो कॉर्ड लेंगे और ये जो फर्स्ट वाला बेरी नॉट बनाया था उसमें से दो कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट बेरी नॉट बनाया था उसके एग्जैक्ट नीचे के साइड हम और एक बेरी नॉट बनाएंगे। ये जो वॉल पीस है वो आप डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं वैलेंटाइन पर। इसी तरह से लास्ट वाला भी ले लेंगे। और सेकंड जो बनाया है उसके एग्जैक्ट नीचे के साइड हम थर्ड वाला ये बेरी नॉट बनाएंगे। लाइन होने के बाद ये जो दो बेरी नॉट है स्टार्टिंग वाले यहाँ पर हमें फिर से नॉट लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर दो बेरी नॉट लगाए, फिर ये क्रॉस में इसके नीचे एक, फिर इसके नीचे एक, फिर ये दो नॉट जॉइंट करने के लिए मैंने यहाँ पर और एक नॉट लगाए। तो इसी तरह से इतने पांच बेरी नॉट दूसरे साइड से भी हमें लगाकर कंप्लीट कर लेना है। और हाँ यहाँ पर मैं आपको और एक बात बताना भूल गई, तो ये चार कॉर्ड जो है साइड वाले इसे साइड में रखेंगे, फिर दो कॉर्ड लेके यहाँ पर बेरी नॉट लगाएंगे इस तरह से, फिर ये दूसरा वाला बेरी नॉट दूसरे कॉर्ड लेकर, और ये मिडल वाले जो चार कॉर्ड है इसे छोड़कर फिर ये पैटर्न जो है यहाँ पर बनाएंगे हम। सो गाइस इस तरह से मैंने दूसरे साइड से भी नॉट लगाकर रेडी किया। अब ये जो मिडल में कॉर्ड बचे हैं उनमें से दो कॉर्ड मैंने लिया है यहाँ नॉट बनाने के लिए और दो कॉर्ड का मैंने यहाँ पर नॉट बना चुकी हूँ। तो ये देखिए ये कॉर्ड जो हमने दो ली है उनको लेंगे और ये साइड वाली कॉर्ड को लेंगे और ये जो सेकेंड रो है ये जो सेकेंड रो यहाँ पर हमें नॉट बनाना है।
दो, इसके बीच में अभी हमें नॉट लगाना है। मैं एक ही बार में सबको बेरी नॉट बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, पहले तीन नॉट का कॉलम बना लेते हैं। तो इस तरह से नॉट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए, ये अभी तक हमने पार्ट जो है ज्वाइन नहीं किया है, तो इसमें से दो कॉर्ड लेंगे और साइड वाले में से दो कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर एक बेरी नॉट बनाएंगे ताकि ये जो दोनों पार्ट है वो ज्वाइंट हो जाए। इसी तरह से दो नॉट बना लेंगे, दो नॉट के बीच में और दो नॉट के बीच में, इस तरह से और दो यहाँ पर नॉट बना लेंगे, तो एक पूरी लाइन ये जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस, ये लाइन जो है कंप्लीट करने के बाद मैंने ये नीचे और एक लाइन कंप्लीट की है, जैसे कि हम सिंपल नॉट लगाकर कंप्लीट करते हैं, उसी तरह से उस जगह पर हमें ये बेरी नॉट बनाने है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो जहाँ पर देखिए दो नॉट के बीच में मैंने नॉट लगाया है, इस तरह से ये लाइन जो है कम्प्लीट हो गई। अब यहाँ पर बताने वाली बात सिर्फ एक ही है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया फिर से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्टार्टिंग ये लाइन जो हमने बनाई थी, तब मैंने ये दो कॉर्ड जो है वो छोड़ देते। अब इस कॉर्ड को लेकर हमें यहाँ पर बेरी नॉट बनाना है और ये वाला छोड़ा हुआ कॉर्ड लेकर यहाँ पर भी एक बेरी नॉट बनाना है, फिर सेम एज यूजुअल बीच में, जैसे कि दो नॉट के बीच में इस तरह से ये बनाकर ये एक रो कम्प्लीट करना है। उसके बाद में ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनेगा, तो दो दो कॉर्ड साइड में छोड़ते हुए एक तक इस तरह से बेरी नॉट लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसी तरह से दो दो कॉर्ड यहाँ पर छोड़ छोड़ कर मैंने ये इस तरह से ट्रायंगल बनाया है। अभी यहाँ पर एक लास्ट बचा है, सोचा आपके साथ शेयर करूँ ये भी। तो इस तरह से ये हार्ट बनकर रेडी है। अभी यहाँ पर हमें कॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पर मैं वेस्टेज से कॉर्ड ले रही हूँ। 30 सेंटीमीटर के आसपास लगभग आपको कॉर्ड लगेगी। कॉर्ड को डबल कर लेंगे और ये देखिए, ये जो गैप है इसमें हमें कॉर्ड को डालना है। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड से भी। तो दोनों साइड कॉर्ड डालने के बाद अभी हम इस स्टिक में से कॉर्ड को कट कर लेंगे। तो इस तरह से कॉर्ड कट करने के बाद अभी हम इसका सेंटर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला इसका सेंटर है इस साइड का। अब दूसरी कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर हिच नॉट लगाएंगे 2 टाइम। लगाने के बाद ये जो कॉर्ड है ये वाली, इसे इसके साथ ही ले लेंगे। आगे फिर नेक्स्ट कॉर्ड ले लेंगे, फिर 2 टाइम्स
फिर इसे भी हाथ में ले लेंगे, फिर थर्ड कॉर्ड, फिर ये भी कलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही जितने भी हम कॉर्ड लेकर पाइपिंग करते हैं उसे हमें कलेक्ट करते जाना है, और जो हार्ट का शेप है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये जो है हिच नॉट लगाकर ये पाइपिंग कंप्लीट करनी है। पाइपिंग हमें कंप्लीट करनी है एक साइड से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये पाइपिंग की है। सारी कॉर्ड को मिला मिला कर ही करना है, जिससे हम पाइपिंग करते हैं उस कॉर्ड को इंक्लूड करना है, फिर नेक्स्ट जो कॉर्ड है वो लेना है। तो इस तरह से एक साइड मैंने करके रेडी की है, अब ये दूसरी साइड भी हमें सेम उसी तरह से ही बनानी है। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड से हमने इसे पाइपिंग करके कंप्लीट किया है, और ये जो छोटे छोटे कॉर्ड यहाँ पर बचे हैं वो बाद में हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे जितने बचते हैं, क्योंकि अभी थोड़े हाइड हो जाएंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पर और एक आधा मीटर की कॉर्ड ली है, इसे हम इस तरह से डबल कर लेते हैं और इसे अभी रैप करना स्टार्ट करते हैं। दो इंच तक ये रैप किया है, फिर इस लूप में कॉर्ड को डाल के ऊपर की तरफ खींच लेंगे, बाकी बची कॉर्ड कट कर लेंगे। अब देखिए, आपको इसकी जितनी हाइट चाहिए वहां तक आप इसे कट कर सकते हैं। जो बाकी बचे छोटे छोटे कॉर्ड है इसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या फिर एज इट इज छोड़ सकते हैं, या फिर इसमें हैंगिंग भी कुछ लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसे यहां तक कट कर रही हूँ। ये जो अभी मैंने वेस्टेज कट किया है उसी से जो बचे हुए छोटे छोटे उसमें मैं ये स्टिक कर दूंगी, ताकि ये वेस्टेज भी हमारा यूज में आ जाएगा। तो कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद फिर एक बार इसे कट करेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है अभी ज्वाइन करने के बाद ये सब बड़े हो गए हैं। तो अभी इसे फिर एक बार हम ट्रिम कर लेंगे। अब इसमें लगाएंगे बेल। तो रैंडमली कुछ मैं बेल लगाने वाली हूँ, इस कलर इस टाइप के मैंने ये ग्रीन कलर के बेल यहाँ पर लिए हैं। आप चाहे तो इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। बेल लगा के हो गया है हमारा, और इस तरह से ये हार्ट शेप बनकर रेडी है। अभी हमें इसे हैंग करने के लिए
यहाँ पर हुक बनाना है। तो आप चाहे तो रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक कॉर्ड से ही बनाने वाली हूँ। तो ये एक मैंने वेस्टेज से ही ये वाली एक कॉर्ड ली है। अब इसे इसके अंदर डालूंगी, एक लूप के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये कॉर्ड डाली है। आपको जितना हैंगिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे एक नॉट लगा दूंगी। इस तरह से बाकी की कॉर्ड कट कर दूंगी। इसे अच्छे से जलाकर स्टिक कर दूंगी। सो गाइज, ये हमारा वैलेंटाइन हार्ट शेप डिज़ाइन बनकर रेडी है। आप ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। बहुत ही सिंपल है, कम मटेरियल में बनने वाला है, और आप इसे वैलेंटाइन पर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, और आपको लाइक करना फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री है। तो ज़रूर किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि उनको भी कुछ आइडिया मेरे वीडियो से मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जल्दी लौटूंगी विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाय।